की मार है मचा हो रहा का घुटन शोषण और भ्रष्टाचार बढ़ रहा जुल्म अत्याचार। नमस्कार आदरणीय निर्णायक मंडल तथा मेरे प्रतिस्पर्धी, इससे पहले कि भ्रष्टाचार का विरोध करूं और अपने विचारों को आपके सामने रखूं, मैं सेल अधिकारियों का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे बोलने का ये सुनहरा अवसर दिया। जब भी हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है हम सबके मन में एक ही ख्याल आता है, वो है घूसखोरी करना, बेईमानी से पैसे हड़पना या ज्यादा से ज्यादा दूसरों का पैसा बांटना। हम यही तो सोचते हैं, पर क्या आपने कभी ध्यान से गौर किया है कि भ्रष्टाचार हर जगह हर छोटी छोटी चीज में फैला दिखाई देता है। वरिष्ठ नेताएं अच्छे काम का वादा करके वोट मांगते हैं, फिर शायद उन वादों को पूरा किए बिना ही अपना कुर्सी पकड़ लेते हैं। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? इंजीनियर अधिक धन के लालच में मेल मिलाप करके कमजोर पुल बनाता है, प्रोफेसर कक्षा में न पढ़ाकर ट्यूशने पढ़ाता है, डॉक्टर अधिक धन के लालच में रोगी को दवा के जगह अस्त्र उपचार की सलाह देता है, दफ्तर बाबू दफ्तर का काम समय पे न करके ओवरटाइम खटता है, चपरासी सोया रहता है, विद्यार्थी नकल करता है, व्यापारी मिलावट करता है, ये सब भ्रष्ट आचरण यानी कि भ्रष्टाचार ही तो है। जब बच्चा स्वच्छ भाव से कहता है कि माँ माँ मैं बड़े होके आईएएस अधिकारी बनना चाहता हूँ, तो उस पद पर नियुक्त होते ही उसके जीवन शैली में ऐसा क्या बदल जाता है कि बड़े बड़े कार्यों का आया हुआ पैसा वो अपने घर के अलमारी में छुपाने लगता है। मुझे नहीं लगता राष्ट्र में कोई भी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पूरी ईमानदारी से काम होता। सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए जगह नहीं है पर अमीरों को शीघ्र दाखिला मिलता है। हल्दी में पीले रंग की मिलावट, दूध में पानी की मिलावट संपूर्ण रूप से है। विद्यालय में प्रवेश पाना हो या नौकरी का मामला हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। पुलिस न्यायालय नेताओं के लिए करोड़ों रूपए का गबन करना तो अब बात है, गरीबों का पैसा मार कर खुद ऐशो आराम में जीना चाहते हैं। भारतीय राज मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि इस देश में कभी पैसे की कमी नहीं थी, कमी थी तो ईमानदार व्यक्ति की कमी थी। हम हर साल आते हैं भ्रष्टाचार को हटाने के लिए अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर क्या कभी आपने खुद भ्रष्टाचार हटाने का प्रयास किया है? हम हर साल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन मनाते हैं। उन्होंने भारत के लिए बहुत कुछ किया, वो चाहते थे कि भारत आत्मनिर्भर बने, तो क्या भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है? ये प्रश्न सोचनीय है। अगर भ्रष्टाचार को हटाना है तो क्रांति लाना होगा, शुरुआत करनी होगी एक नए बदलाव की, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़े कानून बनाने होंगे, अपने आचरणों कर्तव्यों को ठीक करना होगा। और आज एक प्रयास मैं अपनी ओर से करना चाहती हूँ, आप सभी श्रोताओं से वादा करती हूँ कि अपने आगे के विद्यार्थी जीवन में कभी नकल नहीं करूंगी। और खुद को बदलने से मुझे आदत है अपने पिताजी द्वारा लिखी गई कविता की जान लाई, जो मैं सुनाना चाहूंगी, जो कुछ ऐसी है। हर लड़ने वाले योद्धा को खुद से भी लड़ना होगा, हर लड़ने वाले योद्धा को खुद से भी लड़ना होगा। ये पतन अवस्था बदलेगी, निर्जीव आस्था बदलेगी, यदि बदल लिया खुद को हमने, यदि बदल लिया खुद को हमने, विकलांग व्यवस्था बदलेगी, विकलांग व्यवस्था बदलेगी। हमें जन आक्रोश रोष को सही दिशा देना होगा, भ्रष्टाचार निवारण करने पर ही दम लेना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम भ्रष्टाचार मुक्त देश मेरा भारत पे अपना भाषण देंगे। धन्यवाद। We can fulfill someone's needs. We can fulfill someone's needs, but we cannot fulfill someone's greed. So, a very warm good afternoon to one and all present over here, respected MCL dignitaries, esteemed teachers, and all my dear fellow participants. Today, I, Ajita Bamila of Class 9, stand before you to speak on this broad and significant topic, say no to corruption, commit to the nation. In a word, there is perennial committing of the corruption. Without corruption, the world is even not working. Why corruption is happening? Even the India's GDP income is so high, why is corruption happening so much? Are they not getting money? Or are they not making laws? Or are they not getting punishments? The reason is the government is not giving the wages as per their working hours. Even the well-mannered and well-educated person are even compelled to take corruption and do corruption. The real criminal behind it is not who do corruption, but the real criminal is who sees them do corruption but says nothing to them and continues to watch whatever is going on.
our India in the field of science has launched Chandrayaan 3 successfully in the field of sports. Ice World Cup Cricket 2023, India has gained the first position. So many achievements are there. And why India is still a developing nation? Why isn't it a developed nation? It is the first and foremost point that we should hold it. Even USA is doing corruption, but why is it a developed nation? Because the corruption there is not a higher rate, but in India it is. The ministers who don't even know how to read English, they are the MLAs, MPs, and even the deputy chief ministers of our state and even our country. We should stop this, but how can we stop this? Even if we ask ourselves by standing in front of a mirror, we are also corrupted. Even each and every human being is corrupted here in the world. In the world, no one is like that, that it has not been corruption. In every field or every sector, corruption is there. How can you stop it? We can stop by making the public sectors transparent and accountable, by emitting the risk of corruption, by exposing the corrupted persons. The agencies like CBI, the RTF, even every agency know how to stop this, but they are not stopping this. Why? Because they are only the corrupted persons. The government of India said that alcohol, tobacco, everything is so bad. Still now, why it is not banned? It is the first thing that it should be banned. But from that only they are getting their income. So, first of all, all the bad things should be banned in India, such as alcohol, drinks, and everything, such as smoking. Even smoking should cost rupees 10,000 for a punishment, because from that, lung cancer is held. Even that also needs corruption. The water bottle we purchase, that is also corrupted. We give the taxes to the government. The GDP income of India is very high, but still the ministers take the money. Even a person who has a salary of rupees 50,000 gets 1 crore. So I would like to conclude my speech by saying that we cannot stop corruption in one day. But if we try to stop, then it will stop one day. So thank you and have a cheer. Just a GP. Not the...